अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, 25वीं सैरी बहुत बहुत मुबारक हो। और गाइस, ईद हमने आज बनाए हैं पराठे, पराठों के साथ है भिंडी। और ये आज इनकी जेठानी ने, बड़ी जेठानी बोलो, मतलब मेरी बड़ी भाभी ने ये ऊपर से कोफ्ते भी जैसे मेरे लिए। अभी हम लोग छोटी सी आप छोटी सी सैरी है हमारी, भिंडी कोफ्ते पराठे और चाय पानी। वो तो गई थी, कुछ नया बनाया नहीं, बस तुमने नहीं बुलाया। ये भी सो गई थी, अभी उठाया इसको। मैं खैर सोया ही नहीं, मैं सोती नहीं हूँ सहरी के लिए, लेकिन आज सो गई मैं। थक गई थी ये भी यार, और मैं थोड़ा काम में बिजी था तो बस इसलिए एंड टाइम पे उठाया। अभी टाइम देख सकते हैं आप, थोड़ा सा टाइम देखिए, खाना शुरू करते हैं। चलो तो गाइस मिलते हैं आप खाने के बाद। क्या कर रही हो? हेलो, 25वीं सहरी मुबारक हो। मैंने तो आप लोग मुबारकबाद दी नहीं थी 25वीं सहरी की। दिल दुख रहा है यार, इतनी जल्दी जल्दी रमजान गुजर रहे हैं। अब दिल लग गया, एक लगाव हो गया, रोजे रखना अच्छा लगता है। और अभी मैंने सहरी नहीं करी, आज की मेरी लड़ाई हो गई है, गुस्सा कर रहे हैं मेरे ऊपर, कह रहे कल से मैं तुम्हारे साथ सहरी नहीं करूंगा, तुम खा रही नहीं हो। तो देखें, दूध भी तो पी रही हूँ ना मैं, और मैंने रात में खाना जल्दी खा लिया था, खाते जाते मैं सो गई थी, तो अभी नहीं खाया जा रहा मुझसे। कभी कभी तो होता है, मैं भी इंसान हूँ, आप इनको समझाओ, कमेंट्स करो कि अयाज भाई इतना गुस्सा नहीं करा करें, हम भी इंसान है यार, हमें मेरे से भी नहीं खाया जा रहा। कभी कभी ऐसा होता है जबरदस्ती खा लूँ, उल्टियाँ करूँ, फिर गुस्सा कर रही मेरे ऊपर। आप इनकी शक्ल देखना, पूरी नींद पूरी हो गई, सुकून मिल गया मुझे, सो गई थी। अभी नमाज पढ़ते साथ ही फिर सो जाऊंगी, फिर सुबह बच्चों को भेजने के लिए उठूंगी। मुझे भी अभी बहुत तेज नींद आ रही है दोबारा, बहुत शदीद वाला थक गई हूँ मैं आज। स्कूल जाते हुए मिल लेना। स्कूल जाते हुए मिलते हैं जी। व्यूअर्स, ये देखिए मेरा बेटा तैयार हो गया स्कूल के लिए, फुल रेडी हो गए हैं, ये सॉक्स भी पहन लिए इन्होंने, और ये अब रोल खा रहे हैं। बाजार में जा रहा, मैं जा रहा हूँ। तुम जा रहे हो, गंदा है का शांत तो है ना, खुद ही आ जाओगे। मेरा दो भाई भी आ रहे हैं। सीरियल, चलो अब रेडी होते हैं। रेडी तो होगा ही है, अब इनको शूज़ वगैरह पहना के नीचे तक छोड़ के आती हूँ मैं। जा रहे हैं जियान, इधर देख के बोलो, इधर देख के बोलो, इधर देखो, टाटा करो। चल बेटी, नहीं इधर देख के अल्लाह हाफिज़ कर दे भाई, अल्लाह हाफिज़। जा रहे हैं ये दोनों स्कूल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम। थक गई मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं आज कुछ सौदा लेने गई, मुझे समझ नहीं आती इन लोग के हाथ की मुर्गी वर्गी। तो आज हम बना रहे हैं रोल, रोल मतलब वो वाला रोल नहीं, ये अलग तरह सफाई हो रही है। चिकन धो रही हूँ मैं अभी अच्छी तरह, इसको धो के फिर इसके छोटे छोटे पीस करके फिर इस पर जब मसाला लगाऊंगी वो भी आपको दिखाऊंगी मैं, और दही लगा के फिर इसको चढ़ा देंगे, और मैदे के पराठे बना के फिर उस पर बोटियाँ रख के मायनीज केचप लगा के और रोल बनाएंगे हम लोग। तो बाहर के रोल तो नहीं खाए जाते, और मुझसे तो बिल्कुल बाहर की चिकन नहीं खाई जा रही, तो इसलिए हमने सोचा हम घर में खुद ही बना लें। तो ये देखें, अभी मुर्गी साफ़ हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं इस पर मसाला लगाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। ये दोनों कहते हैं थोड़ा थोड़ा सामान खा के लेके आने और ये देखें टिक्का बोटी का टिक्का वाली बोटी का शासन इसमें डालूंगी, अदरक लहसुन डालूंगी और ये दही डालूंगी मैं इसमें, और अब मैं डालने लगी हूँ उसमें मिर्च वगैरह डालूंगी, मतलब मिर्च तेज ही रखनी है, और
इसमें मलाई भी आ गई, इसलिए मुझे इस तरह डालना पड़ रहा है कि दही में मैंने मना करा था मलाई नहीं डालनी है। मेरे हाथ ये देखिए ऐसे मिलाए। इसमें भी अदरक लहसुन भी मिलाऊंगी मैं। अदरक लहसुन ऊपर रखा है, अदरक लहसुन डाल के अब इसको आधे घंटे तक छोड़ दूंगी। फिर उसके बाद इसको हल्का से घी में डाल के हम फ्राई कर लेंगे। फटाफट बन जाती है तो इसमें तो इतना खैर निकला नहीं है। आपको पता है इस वक्त मेरी वीडियो ना काशान भाई बना रहे हैं, वो काशान भाई की उम्र भी आप देख रहे होंगे आ रही होगी। काशान भाई ने वीडियो स्टार्ट कर दी, बोल रहे हैं बाबा बोले बोले, है ना? कौन बना रहा है वीडियो? मम्मा की बना। अब मेरा काम शुरू हो गया भाई, आप उबाल लें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को दिखा दूं। मैंने मैदा लिया है, मैदे में मैंने नमक डाल दिया है और अब मैं ये थोड़ा एक चम्मच इसमें घी डालूंगी, इससे सॉफ्टनेस आती है घी से। और इसे मुझे ऐसे ऐसे भूनना नहीं है, इसे मुझे जस्ट मिलाना है ऐसे। तो पानी डाल के बस मुझे भूनना नहीं है, मिलाते रहना है। व्यूअर्स ये देखिए मेरा फ्राई पैन गर्म हो गया है और अब इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है। वैसे तो मक्खन डलता है लेकिन मुझे मक्खन की स्मेल अच्छी नहीं लगती गर्म होने के बाद, इसलिए मैं चिकन हो गई। आधा घंटा हो गया इसे रखे हुए। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालूंगी मैं और इसी में ये पकेगी। पराठे शुरू हो गए, छोटे छोटे पराठे, छोटे छोटे। आज कुछ यम्मी सी और कुछ यूनिक सी डिश बनाई है हमने सहरी अफ्तारी के लिए, और चिकन जो बनाई है वो सहरी में भी काम आ जाएगी। और ध्यान ध्यान तो कुछ खाते ही रहते हैं, है ना? हालत देखो इतनी कैसी हो रही है। सुबह नहाए अपने स्कूल से आके। गाइस रोजा खुलने वाला है और अभी तक इनकी जो है ना चिकन तैयार नहीं हुई है। टेंशन में बैठी है, 2 मिनट है बस। खजूर इनके हाथ में पकड़ के बैठी है ये कि बस जल्दी से रोजा खुले। और हमारा दस्तरखान देखें माशाल्लाह सही से सजा हुआ है। बिरयानी है, ये पराठे इन्होंने बना लिए हैं तैयार, साथ में टैंग जूस। बस आज ये छोटा सा दस्तरखान है, अल्लाह का शुक्र है, है ना? दांत कुटे। काशान क्या खाओगे आज? इसका दांत नहीं कुटे। यार देखो क्या खाओगे? ये क्या है? खाने का बताओ। ये तो पियोगे ना? ये कहूंगा। ये क्या है, इनके नाम बताओ। ये केचप है, ये मायो के। केचप है और मायो है, सही। मायोस है। और वो क्या है? पराठा। पराठा और ये पराठे। ये मिर्चे थोड़ी है। गाजर। खीरा है। कीड़ा है। क्या है? खीरा। कीड़ा नहीं है, खीरा है। खीरा होता है ना? क्या? खीरा होता है। हाँ खीरा होता है। ये बिरयानी होता है, है? पुलाव है। चले रहिए गाइस, सिर्फ टाइम कम है, काम ज्यादा है, आप देख सकते हैं। ये नतीजे हो गई मुबारक होगी, ये जीत गई है भाई टाइम पे, इन्होंने तैयार कर दिया है आपको। तो गाइस ये देखें चिकन हमारा दस्तरखान रेडी है, ये देखें आप। हाँ जी जीत गए आप, स्पीड में कर रहा है आधा घंटा। तो प्लेट लाते हैं आपके, सारी प्लेटें लिया। अब मिलते हैंगे रोल बनाते हुए। स्टार्ट हो गया हमारा रोल बनाने का प्रोसेस, अभी आप देखिएगा। ये मैं रख दो, मैं रख रहा हूं, तो बताओ भी आप। ये मैं एक पराठा दिक्कत हो गई है, दिक्कत हो गई है आपको। काशान आपके लिए कौन बनाएगा रोल? खुद ही बनाओगे रोल?
जी व्यूअर्स से देखिए, हम ये हम चार अफराद हैं, 1, 2, 3, 4 मी, लेकिन हम चारों के रोल और भी बना सकते हैं। चले आजान हो रही है, हम रोजा यहाँ इतनी मेहनत करी, मैंने कैसा बना बता तो दो। टेस्टी बना। जान कैसा बना? मजे बने। कर्शन कैसा बना? अच्छा बना। सो गाइस, इन्होंने रोज़ा खोल दिया और रोज़ा खोलने के बाद देखेंगे क्या कर रही हैं। केरी खाओगी? सच्ची सच्ची बताइएगा कमेंट्स में, ये देख के किस किस के मुंह में पानी आया? मैं तो कहीं पे भी केरी देखती हूँ ना, मेरे मुंह में फ़ौरन पानी आ जाता है। और मैंने आज सौदा लेने गई थी और इत्तेफाक से मुझे कैरी नज़र आ गई, तो मैंने सबसे पहले कैरी ली है। अभी आप ये खाओगी? है हाँ यार, काटी क्यों रही हूँ, खाने के लिए रोज़ा खुल गया ना, अब खाऊंगी मंड के मज़े ले लेके। अब कैरी खाएंगे हम, खाते हुए नहीं दिखाएंगे। So guys, हमने रोज़ा खोल लिया है, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय हुआ आज हमारे इफ्तारी में। और मेरे मियाँ जी खुश होते हैं, असल में पकाने का मकसद ही होता है, अगर ये खुशी खुशी खाएं तो बहुत मज़ा आता है बनाने में। बाकी हमने कैरी भी खाई, और आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। और मैं अभी मार्केट जा रही हूँ, इसलिए हम लोग व्लॉग का एंड जल्दी कर रहे हैं, ताकि मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे आने में पता नहीं कितनी देर हो जाए, पता नहीं है। तो मैंने कहा आप व्लॉग एंड कर लो, ताकि हमारे व्यूअर्स इंतज़ार कर रहे होंगे तो व्लॉग अपलोड हो जाए। और वापसी आऊँगी तो फिर मैं जो थोड़ा बहुत सामान लाई हूँ मैं आपको कल के व्लॉग में दिखा दूंगी, नहीं भी दिखाया तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ईद का सामान है। बाकी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से भी गाइस अल्लाह हाफिज़, क्योंकि व्लॉग एडिट भी करना है, फिर और भी वीडियोस हैं उनकी, वो भी करनी है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब कल के व्लॉग में। बच्चे इनके पास ही छोड़ के जा रहे हैं, और कल मैं आपको लेके जाने वाला हूँ हैदराबाद। तो गाइस कल हैदराबाद घूम कर आएंगे। तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें, और दुआ भी याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।